गणेश चतुर्थी का मुबारकबाद देता हूँ और ईद मिलाद की मुबारकबाद देता हूँ। ये हमें ईद मिलाद सोमवार दिन सुबह 10 बजे से हाशिम पीर दरगाह से होते हुए गोल गुम्बद, हकीम चौक, गांधी जुमा मस्जिद, बड़ी कमान, बस स्टैंड, मीनाक चौक, गांधी चौक, असार तक आता है। तमाम लोगों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भी मिला को ये ईद मिलाद को आना कर को उनको गुजारिश करता हूँ और आओ कर को रिक्वेस्ट करता हूँ। ये हमारा हुजूर का ईद मिलाद है, सब भी मिला को आओ। ये किसका भी नहीं, सब भी मिला को करने का है, सब भी मिला का आओ कर को रिक्वेस्ट करता हूँ। कितने लोगों के जमा होने की आशा? ये 50,000 के ऊपर लोग आते हैं। आते हैं स्वामी जी, आते हैं हमारे पूरे धार्मिक गुरु, हमारे भी पूरे आते हैं, स्वामी जी आते हैं, पूरे तमाम लोग आते हैं। आज गौरी गणेश और ईद मिलाद नबी दोनों मिलकर आने की वजह से सभी धर्म के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, गणपति की भी शुभकामनाएं देता हूँ और ईद मिलाद की नबी की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1400 सालों से ये चलता हुआ सिलसिला है, कयामत तक ये चलते रहेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया का एक पीस दिन की वजह, नाम की वजह से पूरी दुनिया में हर जगह एक वक्त में जो ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, इसी के मौके को नज़र रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी हमारे हजरत तनवीर हाशमी पीरा साहब के नेतृत्व में, हमीद मुश्तफ़ के नेतृत्व में आज 16 तारीख को सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से हाशिम पीर दरगाह से होते हुए गोल गुम्बद, गोल गुम्बद से होते हुए हकीम चौक, हकीम चौक से होते हुए जुमा मस्जिद, जुमा मस्जिद से होते हुए चार लेटन से बालकोट रस्ते हुए बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड से होते हुए अब्दुल्लाह दरगाह, अब्दुल्लाह दरगाह से मीनाक्षी चौक, मीनाक्षी चौक से गांधी चौक, गांधी चौक से हुए आसार महल को आके वहाँ ख़त्म होता है। मैं हमारे स्पेशली मुसलमान नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग किसके नाम का जुलूस करने जा रहे हैं इसका ख्याल रखते हुए किसी को भी एक पैसे की तकलीफ नहीं हुई जैसा आप लोग इत्मीनान के साथ में वो जुलूस काटें, क्योंकि अगर छोटी सी भी हमारी सी गलती होगी तो हम किसके नाम पे जा रहे हैं उस चीज़ को ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि हमको ये चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमें एक मिनट में अपने गर्दन कटा सकते हैं। तो इतने जुलूस में शांति के साथ में, खुशहाली के साथ में सभी धर्म के लोगों को लेके जाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप जिस एरिया से भी आएंगे, जहाँ से भी आएंगे, आप उस जुलूस में शामिल होंगे और आप खुद उसे प्रोटेक्ट करेंगे। आप ये समझे कि आप पुलिस ही हैं, तो जैसा पुलिस काम करते हैं वैसा हम लोगों को, हम वॉलेंटियर को, हमारे नौजवानों को काम करना है कि कोई भी कब चुकी हमको नहीं लगना चाहिए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जा रहे हैं, किसी के ऐसे अरे गहरे के शान में नहीं जा रहे, तो हम उसका ख्याल रखते हुए हमारे नौजवान से अपील और करता हूँ ताकि आप लोग शांति और अमन के साथ में जो भी आपको पढ़ना है, जो दरूद पढ़ना है, जो सलाम पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पढ़ते रहे, मगर इत्मीनान के साथ में जुलूस काटें। धक्का धुक्की कर लेते हैं, गद्दल करते हुए किसी को परेशान करने का काम नहीं है। हम उनसे उनके शान में जा रहे हैं जो उनको परेशान करते थे, उनके हक में जाकर दुआ करते थे। आज हम उनके नाम पर जब जा रहे हैं तो हमको भी उसका ख्याल रखना है। सभी धर्म के लोग वहाँ पर आएंगे, किसी धर्म को तकलीफ नहीं हुई सर का, हमारा जुलूस होना चाहिए हर साल की तरह। इस साल भी इस साल लोग ज़्यादा आएंगे तो इसका भी हमें ख्याल करना है, सब लोगों को संभाल लेना है, अपने अपने तरीके से अपने अपने मोहल्ले से आके इस जुलूस को मिलना है, मिल के हमें शांति से ले जाना है। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा हमारा सहकार दिए हैं, कॉरपोरेशन वाले भी बहुत बड़ा सहकार दिए हैं, माध्यम के लोग भी हमें बड़ा सहकार दिए हैं, तो इसलिए मैं इन तीनों का सहारा लेते हुए हमको भी चाहिए कि हम उनका साथ दें। तो ये सब लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट हमारा पूरा ये हमारे साथ में जब रहे तो हमको भी चाहिए कि ये कौम के लोग इतना सपोर्ट करने के बाद में इनसे कुछ गलत हुआ ये कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो हमको चाहिए कि हम भी जिला अडलित के साथ में रहकर कायदे के चौकट में रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छे तरीके से जुलूस करना है। जिस तरह से हर साल की तरह आप जानते हैं कि ब्लड कैंप किया गया, आज आई कैंप है, आज जितने भी लोग ये हमें सुन रहे हैं तो जितने भी लोगों को अपने अपने एरिया में आए, क्या आई की तकलीफ़ है, आंखों की तकलीफ़ है, आज आशिम दरगाह के पास खानता है आशिम में आए
और अपना आंखी का चेकअप करा लें, उसका फ़ायदा उठा लें। और सब लोगों से, जितने भी हमारे बीजापुर शहर के लीडर हैं, जितने भी हमारे मसलक हैं, सब एक होकर नेक होकर ये जुलूस करना, आप लोगों से अपील करता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से जाके नाम, जिस तरह से नाम के नाम से हम करने जा रहे हैं, उसी तरह हमको करना चाहिए। मैं आप सब लोगों का और एक बार अपने दिल की गहराई से मिलाद उन नबी की मुबारक देता हूँ और गणेश चतुर्थी की भी मुबारक देते हुए, हिंदू मुसलमान सब मिलकर, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेते हैं तो दूसरा नाम पीस होता है। इस पीस को कायम करने के लिए हमको भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करना चाहिए। इतना कहते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर के तमाम शहरियान को ईद मिलाद की और गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश करते हुए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया था, आप तमाम को मालूम है कि इसी 16 तारीख पीर के दिन ईद मिलाद का जो दिन है, उस दिन जो हर साल जैसा जुलूस निकाला जाता है, उसी तरह इस साल भी 16 तारीख पीर के दिन 10 बजे खानकाह हाशमी दरगाह, हाशम पीर दरगाह से शुरू करके पूरे बीजापुर शहर के हर मेन जो सर्कल हैं वो पूरा घूम के आखिर में जो है दरबार हस्कुल ग्राउंड में जो है जो इकताम का प्रोग्राम है वहाँ पर जो है उसका प्रोग्राम को एंड किया जाता है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी और हमारे ईद मिलाद उन कमेटी के जानिब से तमाम शहरियान बीजापुर यानी पूरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है कि आप तमाम लोग इस जुलूस में शिरकत फरमाएं, और ख़ासकर नौजवानों से मेरी एक अपील है कि आप तमाम लोग जो है, अभी हमारे भारती साहब और अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब ने बताया कि ये जो है आप किस शख्सियत का जो है, किसका जो हम जुलूस मना रहे हैं, वो बहुत ही अहम है, क्योंकि पूरे दुनिया को, पूरे आलम को जो रहमतुल आलमीन बन के जो हमारे हुजूर आए, इसलिए आज हमको है रहमतुल आलमीन आने पूरे आलम को है वो रहमत बन के आए थे। इसलिए हम जो है हमारे हुजूर की जो है उसमें कौन सी किस्म की तहवीन नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर जो है नात और सलाम दुरूद शरीफ जो हर साल जो जिक्र अजकार से जो जुलूस निकलता है, उसी तरीके से तमाम लोग बावजू के साथ आकर उस जुलूस में शिरकत फरमाएँ। और एक बार मैं बिलखसूस नौजवानों से अपील करता हूँ कि बहुत ही पीसफुल, क्योंकि ये रैली का नाम ही पीस रैली है, क्योंकि हमारे हुजूर के नाम की जब रैली होती है तो पीस रैली, जिससे दूसरे कौम के लोगों को या तो दूसरों को किसी को भी इससे हमारे रैली से, हमारे चंद डेवलपमेंट से जो है किसी को भी धोखा नहीं पहुंचे, किसी को भी ठेस ना हो, ऐसे कौन से किस्म के जो है नारेबाजी करना हो, या तो ऐसे किस्म के नौजवान जो है बाज रहे। इसलिए मैं तमाम लोगों को, बीजापुर शहरियान को तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इस जुलूस में शिरकत फरमाकर सवाब दार हासिल करें।